दोस्तों आपको एक बात बताऊं, शुरू शुरू में जब मैंने अपने योगा प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो उस वक्त शीर्षासन को देख के मुझे बड़ा ही अचंभा होता था कि कैसे लोग सर नीचे पैर ऊपर करके बैलेंस बना लेते हैं। मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट करता था शीर्षासन, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे योगासन होंगे जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करते होंगे और आप उन आसनों को करना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से योगासन है, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। अब उस वक्त मुझे करेक्ट टेक्निक नहीं पता थी तो गिरते पड़ते कैसे करके कुछ सालों में मैंने शीर्षासन का अभ्यास करना सीख लिया, लेकिन मेरे गुरुजी ने सही टेक्निक बताई। आई वॉज सरप्राइज्ड कि सिर्फ कुछ दिनों में ही करेक्ट टेक्निक को अप्लाई करके आप कितनी स्मूथली शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो सारी टेक्निक इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि बहुत से तो प्रैक्टिशनर्स ऐसे होंगे, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं कि मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शीर्षासन करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, वो भी कुछ सपोर्ट के। तो आपको इसके लिए चाहिए होगी एक दीवार और एक कुर्सी जो कि ज्यादा मूव ना हो, बाकी चीजें मैं आसानी से गाइडेंस करूंगी। लेकिन शीर्षासन का अभ्यास करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है, ग्लूकोमा की परेशानी है, अगर आंखों से रिलेटेड कोई समस्या है, आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन है, लेडीज पीरियड के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, अगर इससे पहले आपने योगा का अभ्यास नहीं किया और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख के प्रेगनेंसी के दौरान आप शीर्षासन करना चाहते हैं तो ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर स्पाइन में किसी भी तरीके की सर्जरी हुई है तो ये चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है, कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है तो ध्यान रखना है। और हाँ, वीडियो में मैं बीच में आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको शीर्षासन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक टेक्निक को बारीकी से बैठ के समझना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, और जो जो भी बारीकियां मैं बताऊं, जो जो भी टेक्निक मैं बताऊं, उसको अच्छी तरीके से देख के फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा, एक बात और, वीडियो को देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा, सो दैट कभी भी मैं लाइव आऊं या कभी भी नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपके मोबाइल में पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। शीर्षासन करने के लिए आपकी गर्दन का, कंधे का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग का बहुत जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके, आपकी नेक का, आपकी शोल्डर का, आपकी आर्म्स का, आपकी बेली का। तो इन सारी चीजों को करने के लिए पहले प्रिपरेशन करेंगे तो हम शुरुआत कर रहे हैं नेक रोटेशन से या नेक मूवमेंट से। गहरी लंबी सांस लेंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे और जैसे ही सांस छोड़ेंगे अपनी चिन को कोलर बोन की तरफ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। ये प्रैक्टिस हम 5 to 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल करेंगे लुक अप, एक्सहेल करेंगे चिन टुवर्ड्स योर कोलर बोन। इस तरीके से अभ्यास करते रहने से आपकी गर्दन की जो छोटी छोटी नस नाड़ियां हैं उनमें स्ट्रेंथ आता है, जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, मोबाइल होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और किसी भी तरीके की नेक में टेंशन नहीं आती है, मसल्स में स्ट्रेन नहीं आता है। इस तरीके से सांस छोड़े डाउन और सांस ले धीरे 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 लुक अप, सांस छोड़े लुक डाउन। जर्क नहीं देना है, मींस इस तरीके से अभ्यास नहीं करना है, बहुत स्लो बहुत कंट्रोल। अब राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, राइट साइड इस तरीके से देखिए, टर्न कर दीजिए अपनी गर्दन को और ध्यान दीजिए कि आपका सिर्फ गर्दन मूव कर रहा है, बाकी आपकी स्पाइन और शरीर में किसी भी तरीके का टेंशन नहीं है। राइट एंड लेफ्ट, और ये सारी प्रैक्टिसेस करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो टू प्रैक्टिस हेड स्टैंड और शीर्षासन। इस तरीके से स्ट्रेंथनिंग कर ली राइट और लेफ्ट देखे, वेरी गुड। नाउ गर्दन को ड्रॉप कर दीजिए राइट शोल्डर की तरफ विदाउट लिफ्टिंग योर शोल्डर अप, शोल्डर रिलैक्स है, सिर्फ गर्दन को ड्रॉप करना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 सेंटर ड्रॉप कर दीजिए अपनी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर की तरफ 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अदर साइड भी ड्रॉप कीजिए 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ भी ड्रॉप कीजिए 1 2 3 4 5,
लास्ट वन मोर टाइम राइट साइड ड्रॉप कीजिए 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड ड्रॉप कीजिए 1 2 3 4 5 वंडरफुल फील कीजिए नेक कितनी अच्छी तरीके से रिलैक्स्ड हो गई है। अब हम अपने नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस तरीके से चिन को हमने ड्रॉप किया कोलर बोन की तरफ, गहरी लंबी सांस ली। जिन भी लोगों को गर्दन और कंधे के आसपास अकड़न जकड़न होती है वो इस तरीके की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। हाँ, सर्वाइकल की समस्या है तो हेड स्टैंड तो ना करें, लेकिन इस तरीके की ऐसे नेक रोटेशन और जो आगे की प्रैक्टिसेस बता रही हूँ बताने जाने वाली हूँ वो प्रैक्टिस जरूर करें। ध्यान दीजिए जब आप नेक रोटेशन करें तो बहुत जल्दी जल्दी जर्क ना दें, बहुत धीरे धीरे एक एक जॉइंट को फील करते हुए इस तरीके से धीरे 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 ये हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम करेंगे। चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप किया, इनहेल किया, लुक अप एंड एक्सहेल किया, लुक डाउन, इनहेल किया, धीरे धीरे सांस ली, सीलिंग की तरफ देखी और सांस छोड़ते हुए चिन टुवर्ड्स योर कोलर बोन 3 बार और इनहेल करें। दोस्तों इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहने से आपके गर्दन के आसपास जो फैट जमा हो जाती है वो भी कम होती है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है, चेहरा काफी स्लिम लगने लगता है। 1 बार और घुमाएं गोल गोल एंड ड्रॉप। किसी को अगर चक्कर आता हो इस तरीके से नेक रोटेशन करते वक्त तो आंख खुली रहे, आंख बंद ना करके प्रैक्टिस करें। अब ये हो गई नेक हमारी कम्प्लीटली एक्टिव हो गई। अब हम अपने शोल्डर्स की भी रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर इस तरीके से रखा, दोनों पाम्स को इस तरीके से कंधे के ऊपर रखा, एल्बोज को उठाया, एल्बोज ड्रॉप मत रहने दीजिएगा, एल्बोज उठाइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, एल्बोज अप टुवर्ड्स सीलिंग और एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन, 360 डिग्री रोटेशन। ध्यान रखिए ये सारी प्रैक्टिसेस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 4 and 5 इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज पहले शोल्डर को ड्रॉप करें डाउन यानी एल्बोज डाउन साइड और पीछे से ऐसे घुमाते हुए एल्बोज सीलिंग की तरफ और धीरे धीरे वापस से डाउन। ये सारी प्रिपरेशन हो रही है शीर्षासन के अभ्यास के लिए और ये प्रैक्टिसेस आप ड्यूरिंग द डे कभी भी कर सकते हैं, पार्क में घूमते समय, अगर घर पे थोड़ा सा आराम मिल रहा है उस जगह टीवी देखते हुए, किसी भी तरह किसी भी समय। इससे नेक और शोल्डर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो ये तो हो गए हमारे नेक और शोल्डर एक्टिवेट। दोनों हाथों को लूजन करें इस तरीके से, लूजन करें लूजन करें लूजन करें और रिलैक्स हो जाए। अब हमने नेक को स्ट्रेंथन कर लिया, शोल्डर को स्ट्रेंथन कर लिया, अब अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे और इसका नाम है डॉल्फिन एक्सरसाइज। हर दिन अगर आप 8 से 10 राउंड डॉल्फिन एक्सरसाइज की कर लेंगे तो पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा, जिससे शीर्षासन को आसानी से होल्ड करने में, शीर्षासन ही नहीं बाकी के एडवांस आसन को आसानी से होल्ड करने में बहुत मदद मिलेगी। तो किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से देखिएगा। इस तरीके से मैं वज्रासन में बैठ गई हूँ। आप दोनों हाथों का मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा, अपने दाहिने हाथ को दाहिने पाम को इस तरीके से खोले और उसको लेफ्ट एल्बो के पास, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से टक करें और लेफ्ट पाम को अपनी राइट एल्बो में इस तरीके से टक करें। ये हो गया मेजरमेंट। ये टेक्निक का पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इस तरीके से आपने अपनी एल्बोज को मेजर कर लिया। अब अपनी बिना कमर को हिलाए अपने हाथों को, अपने दोनों एल्बोज को अपनी मैट से दूर रखेंगे। थोड़ा सा घुटने के करीब मत रखिएगा, घुटने से थोड़ा सा ऐसे दूर रखा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कमर को ना उठाइएगा, कमर को अपनी हिप को अपनी इड़ी पर ही रहने दीजिएगा। एल्बोज को रखने के बाद अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोले और दोनों पाम्स को एक दूसरे के साथ, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद सारी उंगलियों को इस तरीके से क्रॉस करके और आराम से मैट पर रख दें। मैट पर रखने के बाद ये हो गई हाथों की पोजीशन। अब हाथों को आगे पीछे मूव मत कीजिएगा, अब धीरे से अपनी कमर को उठाएं और अपने पैरों को इस तरीके से टक करें। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आप बिगनर हैं तो इसी पोजीशन में रहें और सामने और बैक पीछे ऐसे मूव करें, फॉरवर्ड एंड बैक ऐसे मूव करें। अगर अभी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है, बिगनर है कंप्लीट, तो इस तरीके से मूव करें।
और अगर स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो गई है तो दोनों पैरों को इस तरीके से टक करें, दोनों पैरों के बीच में आपने शोल्डर लेवल जितना फासला रखें और आराम से घुटने को सीधा करते हुए एड़ी अगर मैट पर टच हो जाए अच्छी बात है, और अगर बहुत टाइट हैमस्ट्रिंग्स है तो थोड़ा सा इस तरीके से घुटने से मोड़ लें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए मूव फॉरवर्ड और अपने नाक को मैट से टच करें और वापस आ जाएं और अपने फोरहेड को मैट से टच करें। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल बैक, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन इस तरीके से करना अगर चैलेंजिंग है तो जैसे मैंने बताया कि दोनों घुटनों को ड्रॉप कर दें और फिर इस तरीके से इनहेल करें और एक्सहेल करें 1। शुरू शुरू में आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 एंड 3। तो इस तरीके से 8 से 10 राउंड करें, पेट को टाइट करके रखें और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग होता हुआ खुद फील करें और इस प्रैक्टिस के बाद आराम से शवासन में लेट जाएं। तो चलिए, बॉडी की स्ट्रेंथनिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गई, अब हम वॉल की सपोर्ट से किस तरीके से टेक्निक को अप्लाई करके शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। और सुनिए, यहाँ पे ये चीज एंड नहीं होगी, कुछ और सपोर्ट की मदद से, चेयर की सपोर्ट की मदद से भी हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, तो इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। तो आराम से हम वज्रासन में बैठ गए और दोनों एल्बोज को मेजर किया, दोनों एल्बोज को मेजर करके आप अपने घुटने के पास ऐसे रख दें, ठीक है। घुटने के पास रखने के बाद अपने दोनों हाथों को आपने ओपन किया, इंटरलॉक किया और जो दीवार है इसके बेस पे आप अपने हाथ को रखें, ठीक है। एल्बोज का मेजरमेंट ध्यान रखें और हाथों को इस तरीके से आपने इंटरलॉक कर दिया। अब आपका जो क्राउन है, क्राउन एरिया कौन सा है, आपकी जो दोनों थंब है उसको अपने कान के बेस पे इस तरीके से रखिए और दोनों थंब को ऊपर लेके जाते हुए इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे दोनों थंब मिले, दोनों अंगूठे के टिप मिले, ये जगह मेरा क्राउन एरिया है, तो इसको मैंने अपने दोनों पाम्स के बीच में रखा है। एल्बोज को मेजर किया, दोनों पाम्स को दीवार के पास रखा, इंटरलॉक किया, अपने क्राउन को मैट पर रखा इस तरीके से। अब दोनों पैरों को टक करें इस तरीके से, पैर के पंजे को टक करें और धीरे से अपने घुटने को सीधा कर दें। अब यहाँ पे ये पोजीशन हो गई, अब धीरे धीरे अपने वॉक करना शुरू करें अपनी बॉडी की तरफ, ऐसे 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 धीरे धीरे जब आप वॉक करेंगे तो चूंकि पीछे दीवार है तो आपको गिरने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है और डरने की जरूरत भी नहीं है, और अपने कान को कंधे से दूर रखिएगा। धीरे धीरे वॉक किया और चूंकि पीछे दीवार है तो डरने की जरूरत नहीं है, धीरे से एक पैर को इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें कि कैसे आप आराम से एक पैर को मोड़ के, बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से ये लिफ्ट करते हैं, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे से ऐसे ऐसे टैप करना है, फिर इस पैर की प्रैक्टिस हो जाए तो दूसरे पैर को उठाना है और ऐसे टैप करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आए इस तरीके से टैप करने के बाद, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप आराम से दोनों पैरों को लिफ्ट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, तो हमने कुछ दिनों तक प्रैक्टिस की ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें क्या है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ जो है वो अप्लाई होगी, कोर की स्ट्रेंथ लगेगी, पेट की स्ट्रेंथ लगेगी, तो डॉल्फिन एक्सरसाइज करते रहे, ऐसे हो गया। अब चूंकि पीछे दीवार है, आराम से एक पैर को ऐसे उठाया, टैप किया, दूसरे पैर को भी उठा ले और दीवार पर आपके दोनों पैर लग गए हैं। अब अपने पैर के पंजों को आपने दीवार पे लगा दिया, दाहिना पैर सीधा कर लिया, बायां पैर सीधा कर लिया, ये हो गया हमारा दीवार के सहारे शीर्षासन। कान को कंधे से दूर रखिए और जो बॉडी का भार है कोशिश कीजिए वो ज्यादा से ज्यादा आपके एल्बोज पर हो, ना कि गर्दन पे हो। अब वापस से वही स्टेप अप्लाई करेंगे, वापस आने के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ा और पहले एक एक पैर को नीचे किया, दूसरे पैर को भी नीचे करके आराम से हेड डाउन करके मैट पर
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि तुरंत वो उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिससे कभी कभी उनको चक्कर आता है। तो इस तरीके से हेड डाउन करके आराम से मैट पर लेटे रहें, रिलैक्स करें। ये तो हो गई पहली टेक्निक, जिससे थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं नेक्स्ट टेक्निक को। किस तरीके से, इस नेक्स्ट टेक्निक के लिए हमें दीवार की जरूरत होगी और हमें कुर्सी की जरूरत होगी। तो ये मेरे पास एक कुर्सी है जिसको मैंने अच्छी तरीके से मैट पर रख दिया ताकि ये फिसले ना। ध्यान दीजिए, ऐसी कुर्सी लीजिएगा जो कि फिसले ना और अच्छा खासा कंट्रोल हो। अब कुर्सी को रखने के लिए भी आपको एक अच्छी खासी डिस्टेंस की जरूरत होगी, और वो डिस्टेंस कितनी होगी जरा समझिए। कुर्सी की जो डिस्टेंस होगी वो आराम से जब आप मैट पर बैठे हैं तो आपकी कमर को दीवार से लगा दीजिए और दोनों पैरों से इस तरीके से कुर्सी के जो दोनों पैर हैं उस पर मैंने अपने दोनों पैरों को लगा दिया आराम से, ताकि एक परफेक्ट शेप मिल जाए हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको बोल दूंगी 2 फीट 3 फीट, तो हर एक की लंबाई और हर एक के पैरों की जो हाइट है, बॉडी की हाइट जो है वो अलग अलग होती है। इसीलिए अपने शरीर को इस तरीके से नापें कि आपके कंधे दीवार से लगे हुए हैं, दोनों पैर के पंजे कुर्सी के मैट जो पैर है उस पर लगे हुए हैं। अब धीरे से हमने क्या किया, उठे और कुर्सी की तरफ अपनी पीठ को करके ऐसे बैठ गए। ठीक है, वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो अभी मेरी जो स्पाइन है वो कुर्सी को टच कर रही है, वही मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट एल्बो वाला मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे एल्बो को मेजर किया और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के पास रखा। ठीक है, घुटने के पास रख के आराम से दोनों हाथों को ऐसे ओपन किया और इसको अपनी दीवार के बेस पर ऐसे आराम से ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब धीरे से अपना क्राउन मैंने आपको बताया था ना कि क्राउन को आप अपने दोनों पाम्स के बीच में ऐसे कट कर दें। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को ऐसे पैर के पंजों को कट करें मैट पर और घुटनों को सीधा कर दें। घुटनों को सीधा करने के बाद धीरे से राइट पैर को अपनी कुर्सी पे रखें, लेफ्ट पैर को कुर्सी पे रखें और कमर को सीधा करें। इस तरीके से आपको एक परफेक्ट एल शेप मिल जाएगा। एल शेप मिलने के बाद यहाँ से राइट पैर को उठाएं और सीलिंग की तरफ मोड़ते हुए दीवार से लगा दें। ऐसे बैलेंस जब बन जाए तो दूसरा पैर भी आपने दीवार से लगा दिया। है ना बहुत ज्यादा इजी, जब आपको बैलेंस इस तरीके से बन जाए फिर उसके बाद धीरे से यहाँ पर होल्ड करें, कुछ देर होल्ड करें और अपने बैलेंस को बनाने की कोशिश करें। कुछ देर होल्ड करने के बाद अपने दाहिने पैर को आपने मैट पर कुर्सी के एज पे रखा और दूसरे पैर को भी कुर्सी के एज में रखा, फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉप कर दिया और घुटनों को ड्रॉप करने के बाद आराम से अपनी हिप पर बैठ गए और सर को नीचे ही रखा। एकदम से उठिएगा नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और उसको मैट पर रख दीजिए इस तरीके से, और अपने फोरहेड को मुट्ठियों के ऊपर रख के रेस्ट कीजिए। अच्छा, ये दोनों टेक्निक आपने अप्लाई कर लिया, बिगनर्स हैं तो अप्लाई कर लिया और शीर्षासन करना सीख लिया, जिससे शीर्षासन के बेनिफिट मिल गए। अब हम कर रहे हैं वो टेक्निक जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगी विदाउट वॉल सपोर्ट प्रैक्टिस करने में। लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा कंधे का, शोल्डर का और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में अपनी बॉडी के पीछे दीवार रखें ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहे। तो हम आराम से अपने वज्रासन में बैठ गए, दोनों हाथों को इस तरीके से मेजर किया। ठीक है, हमेशा मैं बोल रही हूँ मेजरमेंट इज रियली इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद आपके एल्बोज मूव नहीं हो। इस तरीके से घुटनों के पास रख दिया, घुटनों के पास रखने के बाद दोनों हाथों को ओपन किया हमने ऐसे और धीरे से अपने पाम्स को मैट पे रख दिया और अपने क्राउन को हमने मैट पे रखा, फिर दोनों पैरों को टक किया और धीरे से कमर को उठा लिया। कमर पर उठाने के बाद वॉक किया और फील करें कि अगर आपके पैर एकदम से मैट से इस तरीके से उठ रहे हैं या नहीं। एक पैर उठाएं, दूसरा पैर उठाएं, ऐसे कुछ दिन प्रैक्टिस करते रहें और फिर दोनों पैरों को ऐसे उठा लें। लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को, अपने थाइस को अपने पेट से दूर किया और एक पैर उठाया पीछे। चूंकि दीवार है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है।
दूसरा पैर उठा लिया, सीधे रखा पैरों को। देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट पैर से लेके सर की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जिसका बेनिफिट आपकी पूरी बॉडी को होता है। इसीलिए इसको किंग ऑफ ऑल आसन या सभी आसनों का राजा भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए राइट पैर को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, थाई टुवर्ड्स योर बेली और वन लेग डाउन, अदर लेग डाउन, नी डाउन एंड रिलैक्स योर हेड, मुट्ठी बनाए और हेड डाउन करके आराम से ऐसे बैठे रहे। करने के बाद देखिए शवासन में लेटना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शीर्षासन या किंग ऑफ ऑल आसन जिसको कहते हैं, आराम से दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला और रिलैक्स करें कम से कम 5 मिनट आराम से लेटे रहें। आई विश कि ये सारी टेक्निक जो मैंने आपको बताई मेरे शुरुआती दिनों में मुझे पता होती तो शायद मुझे इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी वो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आज काम आ रही है। एंड आई एम श्योर कि अब आप इस टेक्निक को अप्लाई करके आराम से शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये योग का अभ्यास एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, एकदम से आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले बॉडी को स्ट्रेंथन कीजिए और उसके बाद फिर शुरुआत कीजिए अलग अलग तरीके के योगासनों के अभ्यास के लिए। आशा करती हूँ मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर कर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।